आप लोगों को टॉर्क टेस्टर और स्पीडोमीटर या टेकोमीटर जो यूज करना है तो कैसे हम और कहां पर यूज करते हैं, ये लास्ट है आज प्रैक्टिकल का। बाद में प्रैक्टिकल जो है कैसे करेंगे वो अलग अलग सिस्टम जो है, केबिन टेस्टिंग हुआ, मोटर टेस्टिंग हुआ, टर्मल टेस्टिंग कैसे करेंगे, मोटर टर्मिनल कैसे लेगा, वो बाद में बताएंगे। ये लास्ट है, ये जानना जरूरी है क्योंकि आप कहीं भी जाइएगा तो हर मोटर का लोड देखना पड़ेगा कि लोड कितना ले रहा है, या ऊपर से पावर जा रहा है या पैनल में पावर है उसमें कितना लोड जा रहा है और किस फेज पर कितना वोल्टेज है, ये भी आपको नापना पड़ेगा। कि कैसे नापिएगा ये हम आज हम बता रहे हैं। इसके बाद कोई भी मोटर जब चलता है तो हर अपना अपना आरपीएम होता है, उसका उतने आरपीएम पर चल रहा है कि नहीं, तो उसको नापने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ये ही है टेकोमीटर या स्पीडोमीटर जो हम आप अभी आपको बताने जा रहे हैं। अच्छी तरह ध्यान से देखिए इसमें क्या है। देखिए जो टॉर्क टेस्टर है वो हम दिखाते हैं, पिक्चर तो हम नहीं बना पाएंगे लेकिन देखिए वो क्या है आप लोगों को दिखाई पड़ता है। देखिए ये है टॉर्क टेस्टर, ये टॉर्क टेस्टर में क्या है, ये जो देख रहे हैं मुँह है, ये है ऑन करने स्विच है, ये यहाँ पर जो लॉक है लॉक कर दीजिएगा तो जितना आएगा वहीं पर रुक जाएगा। ये क्या है, ऐसे इसको खोलिएगा या मुंह खुल जाएगा ऐसे। जो अब क्या करना है, केवल इससे हम यूज करते हैं लोड के लिए कि किस मोटर में कितना लोड ले रहा है, किस पैनल में कितना जा रहा है, किस केबिन में कितना करंट जा रहा है, इसको हम देखने के लिए इसका टेस्टर यूज करते हैं। जैसे पैनल में आपको एमीटर लगा रहता है, वोल्ट मीटर लगा रहता है, तो वहाँ आप पढ़ लीजिएगा कि इतना एम्पीयर जा रहा है, इतना वोल्टेज जा रहा है, लेकिन जहाँ केबिन से पावर जा रहा है वहाँ न मीटर मिलेगा न वोल्ट मीटर। जैसे देखिए ये है सीएलबी, इससे ये पावर मोटर चल रहा है, ये केबिन लगा हुआ है, यहाँ पर ना मीटर है न वोल्ट मीटर, ये मोटर कितना लोड ले रहा है ये आप कैसे देखिएगा। आपको जब मोटर गर्म होने लगता है या ट्रिप करेगा तो उस समय आपको लोड देखना पड़ेगा कि कितना करंट ले रहा है, तो वहाँ पर आप अगर यदि अमीटर जोड़िएगा तो यहाँ बीच में सीरीज में जुड़ता है मीटर, अमीटर को तो यहाँ काट के तो जुड़ेगा तभी देखिएगा। तो यही बचाव के लिए इस टॉर्क टेस्टर को यूज किया जाता है। इसका देखिए क्या है कि ये क्या है, कुछ करना है कुछ नहीं, ना किसी में आपको सेट करना है, यहाँ एक सब दिया हुआ एसी लोड है, एसी में है एम्पीयर, फिर डीसी वोल्ट मीटर है, डीसी एसी वोल्ट मीटर है जहाँ सेट किए, और रेजिस्टेंस भी नाप सकते हैं, इससे नाप सकते हैं, लेकिन सेट पर आपको ज़रूरत है हम लोड कैसे नापेंगे। तो ये क्या है, इसको केवल आप ऐसे बुक खोल दीजिए और जिस केबिन का तीनों लीड चल रहा है आप किसी एक केबिन में से डाल के छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिएगा ये तुरंत रीडिंग देने लगेगा कितना लोड ले रहा है, वो ये पता रहेगा इस फेज पर 10 एम्पीयर 12 एम्पीयर जो भी जा रहा है आप नोट करते जाइए। फिर इसको ये क्या है, फिर अगर किसी को दिखाना हो, जैसे आपको मान लें इंजीनियर बोले कितना लोड है जी, ये रेड येलो ब्लू, तो रेड में देखिए जैसे आप लीजिएगा इसको दाब दीजिएगा तो क्या होगा, जो ही आ रहा है इसमें रीडिंग जो आएगा वो लॉक हो जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगा, आप जाके देखा दीजिए 10 एम्पीयर फिर देखना, फिर हटा दीजिए ऐसे, फिर दूसरे में ऐसे दाब दिए, इस तरह से तीनों लीड में हम नाप लेंगे कि सब में लोड बराबर है कि नहीं। हो सकता है किसी में 10 एम्पीयर आया, किसी में 15 आया, किसी में 12 आया, तो अनबैलेंस में से आता है, तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि मोटर अनबैलेंस हो रहा है तो मोटर अधिक गर्म होगा, लेकिन जब देखेंगे कि अगर ये 15 है, ये 15.5 है, ये 15 है, तो सेम है 0.5 को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, मतलब 15 एम्पीयर बैलेंस है, तो मोटर जो चलना है पूरा बैलेंस से चलता रहेगा, मतलब यह लोड कितना लिया एक फेज पर हमारा 15 एम्पीयर। इस तरह से तीनों फेज आप नाप सकते हैं, लोड ले सकते हैं, यहाँ भी नाप सकते हैं, यहाँ भी नाप सकते हैं, कुछ नहीं करना है केवल इसको बढ़ाना है, आवश्यक में घुसा दीजिए आपको लोड आने लगेगा। इसका फंक्शन देखिए क्या होता है, ये है प्राइमरी, इसके अंदर जो दूसरा वाइंडिंग जो है
ये है सेकेंडरी, जस्ट ट्रांसफार्मर काम करता है। जो करंट जा रहा है, जो 15 एम्पीयर उसमें जा रहा है, सीटी काम करता है उसमें। सीटी माने करंट ट्रांसफार्मर, वो क्या कहा, वो डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ से सेकेंडरी में जो आएगा लोड आएगा उसके अनुसार यहाँ पर आपको आने लगेगा, आप देख लीजिएगा। तो ये इसका इतना ही फंक्शन है। अब रहा इसके द्वारा अगर हम देखें कि ये वोल्टेज सबका समान है कि नहीं, वोल्टेज कैसे नापेंगे, यहाँ देखिए यहाँ दो है, एक दो तीन, एक यहाँ है, ये कॉमन है, ये है फेज वाला, इसमें कोड ऐसे ऐसे कोड लगा रहता है, इसमें ऐसे लगा दीजिए, इसमें फेज इसमें डाल दीजिए, और इसके बाद एक फिर इसको फिर कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कभी भी ऐसे ऑन कभी मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, आप इसको लेकर के अब एसी में नाप रहे हैं वोल्टेज, यहाँ दिया हुआ है वोल्टेज घर बना हुआ है, वहाँ पर आप इसको सेट कर ऐसे घुमा इस तरह से वोल्टेज में नाप लगा दीजिए। एसी में है तो एसी में लगाइए, डीसी में है तो डीसी में लगाइए, यहाँ दिया हुआ है एसी नाप रहे हैं एसी में लगा दीजिए। इसके बाद ये कॉर्ड जो है एक एक फेज डायरेक्ट मोटर चल रहा है, घबराने कोई ज़रूरत नहीं है, आप चल रहे हैं चलने दीजिए, एक फेज को यहाँ ये एक टर्मिनल इसमें लगाएंगे, दूसरा अगर न्यूट्रल इसमें आया है सीएलबी में है तब, और नहीं है तो बॉडी में लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि एक फेज पर कितना ही वोल्टेज ले रहा है उस तरह से नाप लीजिए, ये एक फेज पर कितना जा रहा है, 210 है, 220 है, ये 200 है, वो आपको दिखाएगा, ये वोल्टेज दिखाएगा, यहाँ यहाँ दिखाएगा। आप इसको दिखाने के लिए या इसको लॉक है ऐसे इसको दाब दीजिएगा, 220 पर खड़ा रहेगा। इसी तरह से तीनों फेज को हम नाप लेंगे कि सब में वोल्टेज कितना आ रहा है, उस तरह से आप इस टोंकेस्टर से नाप सकते हैं, इसमें किसी का दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें और अभी बढ़ गया कि इससे आप वोल्ट मीटर नाप सकते हैं, वोल्टेज नाप सकते हैं, और मीटर नाप सकते हैं, जिसमें आपको जरूरत है वैसा आप कर सकते हैं। अगर आप इसके थ्रू किसी को भी नापना हो तो आप यहाँ मैनुअली यहाँ दिया हुआ है, यहाँ शुरू किया है जैसे 200 से 1000 ऐसे दोनों जगह दिया हुआ है, तो आप किसी भी मोटर को नापने लोड नापने के लिए जो चल रहा है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब सेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा इसको ले लीजिए, इसको दबाइएगा ये खुल जाएगा, और केबल ऐसे इसमें डाल दिया छोड़ दीजिए, जैसे ही डालिएगा लोड लेगा यहाँ ही रीडिंग आने लगेगा कि कितना लोड ले रहा है, वो 10-20 जो भी आएगा आप यहाँ ले लेंगे। ये है आपका सिस्टम, जैसे ओवरहेड लाइन में वहाँ से केबल आया, आप वहाँ मीटर तो है नहीं, तो मीटर ले रहे हैं तो करेंट इसमें नापिएगा, कि टोंकेस्टर से आप नाप सकते हैं। तीन वो फेज है, तीनों में आके ऐसे दाब के दाब देते, तीनों फेज देख लीजिए कितना लोड ले रहा है, ये सारा दिन हो गया। रहा वोल्टेज, तो वोल्टेज का आप बताइए, इसमें यहाँ पर बॉल लगा रहता है ऐसे लगा दीजिए, उस समय जब वोल्टेज नापने ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, वोल्टेज नापेंगे इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको छुए तक नहीं, यहाँ लाइए, इसके बाद आप इसको सेट कीजिए कि आप एसी को नाप रहे हैं कि डीसी नाप रहे हैं, एसी वोल्टेज नाप रहे हैं एसी में सेट कर दीजिए, और इसके बाद यहाँ एक कॉमन है उसको ले लीजिए, कॉमन को न्यूट्रल लगा दीजिए, बाकी फेज में लगा दीजिए, आप तीनों फेज को वोल्टेज नाप लीजिएगा कि हर फेज में कितना वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि वोल्टेज अनबैलेंस होगा तो मोटर आपका अनबैलेंस होगा, लोड अनबैलेंस होगा मोटर गर्म होगा, ये बहुत से कारण हैं जिसमें मेंटेनेंस के बताइए उसमें सारा चीज़, लेकिन हम कैसे नापेंगे वो हम बता रहे हैं। पैनल से अगर मोटर चला रहे हैं तो वहाँ वोल्ट मीटर आम मीटर सब लगा रहता है, वहाँ इसका ज़रूरत नहीं है, कहाँ इसका ज़रूरत है, लोकल में जहाँ मोटर और सीएलबी रहता है वहाँ, ठीक है। इसके बाद अब आता है टेपोमीटर, टेपोमीटर का देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, टेपोमीटर से हर मोटर का आरपीएम लिखा रहता है, जैसे जो भी मोटर रहेगा हर मोटर का आरपीएम लिखा रहेगा, किसी में 900 है, किसी में 1200 है, किसी में 1400 है, किसी में 1450 है, 1500 आरपीएम है, तो इतना आरपीएम से घूम रहा है कि नहीं उसको नापने के लिए आता है स्पीडोमीटर। तो देखिए ऊपर में वो स्पीडोमीटर में क्या है, जस्ट घड़ी की तरह रहता है, उसमें एक नोब लगा रहता है, वो नोब
लेकर के आपको कुछ नहीं करना है, मोटर चालू कर दीजिए। इसके बाद उस लोग पहले होता था, अभी नहीं। अब क्या है, इस जो घाट देख रहे हैं उसमें दबा के रखते हैं, वो अपने आप घूमने लगता था गाड़ा। जब घूमने लगेगा वो खड़ा हो जाएगा कि कितना आरपीएम इसका है, अगर 1200 हो जाएगा तो 1200 में खड़ा हो आपके भी। लेकिन इसमें क्या था, उसमें लड़का या मिस्त्री या कोई भी डरता था, क्योंकि मोटर चल रहा है ऐसे लगा रहे कहीं हार से भी गिर जाएगा, एक्सीडेंट का थोड़ा डर रहता है, बहुत कॉन्शन से करना पड़ता है। तो इसके जगह पर अभी निकाल दिया टिकोमीटर। ये क्या है कि इसको दबाने वहाँ सटाने की जरूरत नहीं है। ये है, इसमें देखिए ये है टिकोमीटर, यहाँ लिखा हुआ है, इसमें बैटरी से चलता है। यहाँ एक स्विच है, देखिए यहाँ एक स्विच है, ये है मेमोरी स्विच। आप क्या कीजिएगा, जैसे इसको हमको देखना है तो ऐसे इसको दाबिएगा, इसमें रेड बत्ती जलेगा, वोल्टेज पूरा, अगर बैटरी आपका सही है तो पूरा रेड निकलेगा। यहाँ से ला इसको सामने से, इससे इसके दूरी कम से कम ये देखिए 3 इंच या 4 इंच या 6 इंच के बीच में रखिए, मतलब आप इतना दूरी रखना चाहिए, नज़दीक ज़्यादा मत ले जाइए। और यहाँ लाने के बाद में रखे रहिए, जितना पीछे घूम रहा है ये रेकर्ड माने लगेगा, जैसे आ गया तब आप इसको दाब दीजिए, ये इसको आप दाब दीजिए, वो लॉक हो जाएगा। 1200 पर चल रहा है तो 1200 आरपीएम पर आ जाएगा, अगर इसका 1400 होगा तो 1400 पर आ जाएगा। यही देखा जाता है कि अगर ये मोटर का ओरिजिनल लिखा रहता है कि कितना आरपीएम का है, ये वहाँ लिखा रहता है, अगर लिखा रहेगा 1200 और आप लगाए अभी 1000 ही पर घूम रहा है, तो क्या होगा, वह जो चला रहा है उसका स्पीड कम जाएगा। इसीलिए इस टेकोमीटर से केवल हम लोग स्पीड देखते हैं कि मोटर का आरपीएम सही है कि नहीं। ठीक है, आज इतना ही, फिर दूसरी।